हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। फ्रेंड्स, एक क्लास रे हमें फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मोस्ट इंपोर्टेंट 60 प्लस क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपण जदि अन्य समस्त क्लास देखिबा पई चाहंती ताहले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि परबे, एवं आम चैनल रे प्रतिदिन क्लास करबा पई चाहंती ताहले टेलीग्राम ग्रुप रे मते जॉइन होंतु, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि। एवं आपण जदि बीडी एग्जाम रो समस्त हिस्ट्री एवं पॉलिटी रो क्लास कराइछि, ता सहित प्रीवियस रो समस्त शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन कराइछि, ता देखिनांति ताले आपण आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाइ देखि पारबे। तेणु आरंभ करबा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मोस्ट इंपोर्टेंट 60 प्लस क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। द प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, को प्रिंसिपल अनुसार चलिते प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स अनुसार चलते बा सेपरेशन ऑफ पावर्स अनुसार कोठारे पावर टी सेपरेट होते एग्जीक्यूटिव थारे एवं लेजिस्लेचर थारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, को देश रे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि, यार सटिक आंसर होछि यूके रे, यूके बा इंग्लैंड रे कोन अछि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि। सर्वप्रथमे अमेरिका रे यूएसए रे थिला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका रे थिला एवं ताहाटारु आम देश रे निया जायछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। एवं आम देश रो कॉन्स्टिट्यूशन को कोन कह जाए इलेफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। एवं आम देश रो कॉन्स्टिट्यूशन कोन अटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अटे, सेमिति पाकिस्तान रे मध्ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि। एवं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे सुप्रीम के थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे आम कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम थाए, एवं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे सुप्रीम के थे पार्लियामेंट ही सुप्रीम थाए। एवं से बोली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे मदर के थे कॉन्स्टिट्यूशन मदर थाए, एवं चाइल्ड के थे पार्लियामेंट थाए, एवं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे मदर के थे पार्लियामेंट थाए, एवं चाइल्ड के थे कॉन्स्टिट्यूशन थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यही बोली क्वेश्चन आसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, यूनिटरी गवर्नमेंट रे कौन तार एडवांटेज अच्छे, स्ट्रॉन्ग सेंटर थाए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कौन थाए सेंटर टी स्ट्रॉन्ग थाए, अर्थात जहाँ मध्य डिसीजन किए नहीं थे सेंटर सेंटर मैक्सिमम नहीं थे बाहर मैक्सिमम पावर थाए, जमीक आम देश में अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोठारे अछि अमेरिका रे अछि, तो यार सटिक आंसर हम अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जांपल ऑफ, इंग्लिश क्राउन रे कौन अच्छी, इंग्लिश क्राउन मैंने इंग्लैंड रे कौन अच्छी नोमिनल एग्जीक्यूटिव, अर्थात प्रेसिडेंट ही हेड अटंती सेठारे नोमिनल अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय, यहाँ किए कही गणतंत्र बा डेमोक्रेसी हूँ लोक मानकर लोक मानक द्वारा एवं लोक मानक किए कही कही अब्राहम लिंकन कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, गांधीजी अनुसार राम राज्य मैंने कौन अटे, राम राज्य बा राम राज मैंने कौन अटे, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन प्योर मोरल अथॉरिटी को कहुए राम राज्य, सोवरेनिटी मैंने कौन अटे निज डिसीजन निजे ने कहुए एवं कहार ऊपर आम निर्भर करवा ना कहुए सोवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो फीचर्स कोटा अटे, सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट अटे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अटे, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यह समस्त अटे यार फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एट व्हिच ऑफ इट्स सीजन सोशलिस्ट पैटर्न को, आम देश में सोशलिस्टिक पैटर्न को केबे अडॉप्ट करा जाइतला कांग्रेस द्वारा, यह को करा जाइतला आफ्टर द सेशन ऑफ 1955 मसीहा रे, यह को करा जाइतला सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट मैंने कौन मिक्सड इकोनोमी को प्राइवेट एवं पब्लिक जोटा मिसिक करते जमीक आम देश अच्छे कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इन इंडियन पॉलिटी व्हिच वन इज सुप्रीम, इंडियन पॉलिटी रे सुप्रीम किए अटे, इंडियन पॉलिटी रे, इंडियन पॉलिटी मैंने कौन अटे आम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहुई आम देश इंडियन पॉलिटी केमी अटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अटे, तेणु रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे सुप्रीम किए थे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम थाए। सेमिति यूके रे
ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କିଏ ଅଟେ? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଅନ୍ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କିଏ ଅଟେ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଟେ। କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଟେ? କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶରେ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ ଅଛି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାହା ଅନୁସାରେ କରିବା, ଏବଂ ସେଠାରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିଥାଏ ସେମିତି କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସବ୍ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଦ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ କିଏ? ଆମର ଯେମିତିକି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଟନ୍ତି, କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି? କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କାହା ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଲେଜିସ୍ଲେଚରର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗିଭ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରିଜିଡିଟି ଟୁ ମଚ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ୍ୱିଚ୍, ସିଏ ବହିର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ୍ୱିଚ୍ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ କେଉଁଟା ଅଟେ? ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ବି ଏ ବହିର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଆର ୱାଜ୍ ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ନ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା? ଆମେରିକାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମେରିକା ବା USA। ହୁଆର ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପର୍ମିଟ୍? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଥିଲା? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ବ୍ରିଟେନରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନରୁ ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ହେବ। ହୁ କଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋ ଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍? କିଏ କହିଥିଲେ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି କୋ ଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍? ଏହା କହିଥିଲେ ଜି ଅଷ୍ଟିନ୍, ଜି ଅଷ୍ଟିନ୍ ବା ଗ୍ରାହାନଭିଲ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ଅଟେ? ପାର୍ଟଲି ରିଜିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଅଟେ। ପାର୍ଟଲି ରିଜିଡ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଅଟେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ପାର୍ଟଲି ରିଜିଡ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? କିଛି କଠିନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ କିଛି ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଆମର 50% ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମେଜୋରିଟି ବା ସିମ୍ପଲ୍ ମେଜୋରିଟି ଦ୍ୱାରା କିଛି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ କିଛିରେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମେଜୋରିଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମେଜୋରିଟି ସହିତ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏଭଳି ତିନି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବରୋଡ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍, ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ବରୋ କରାଯାଇଛି? ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଅଛି ତାହାକୁ କେଉଁଠାରୁ ବରୋଡ୍ କରାଯାଇଛି? ତାହା କରାଯାଇଛି କାନାଡ଼ାରୁ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ନିଆଯାଇଛି? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟସଭା ଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ରେ ବିଧାନସଭା ବା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆମର ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଥିବା ଭଳିଆ ଯଦି କୌଣସି ଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ବା ଅନ୍କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଲ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମାନେ କେଉଁଟା? ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ତାହାର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବ, ତାହା କୁହାଯାଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମେରିକାରୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମେରିକାରୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର
आर्टिकल 13 रे लिखा जाइछि जुडिशियल रिव्यू विषय रे जदि कोनोसे अनकन्स्टिट्यूशनल लॉ तयार करा जाए ताहेले ताहाकु सुप्रीम कोर्ट रद्द करि परिबो बा नल बा अवॉइड करि परिबो एवं सेमिति कोन करथिला एनजीएससी को करथिला एनजीएससी को करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फ्रेंड्स आपनो वीडियो को लाइक करिना ताले लाइक करंथु चैनल को सब्सक्राइब करिना ताले सब्सक्राइब मध्ये करंथु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोनाउंस इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिबारे कहार भूमिका अधिक थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो अधिक भूमिका थिला आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिबारे। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड दोज कहा द्वारा आम इंडिया रिप्रेजेंटेटिव होइथिले कहा द्वारा होइथिले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा सर्वप्रथम होइथिले आम इंडियन माने मेंबर्स होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टर्स इन इंडिया कम्युनल इलेक्टर्स को एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस्ड करा जाइथिला एवं यहा द्वारा कोन करा जाइथिला मुस्लिम माननकु रिजर्वेशन दिया जाइथिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द्वारा यहा को करा जाइथिला कम्युनल इलेक्टर्स को इंट्रोड्यूस्ड करा जाइथिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द्वारा यहाँ को अन्य कौन कहे मर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 मध्य कहे मर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 मध्य कहे एवं लॉर्ड मिंटो को कौन कहे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टर्स मध्य कहे स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाइथिला बा रिजर्वेशन दिया जाइथिला मुस्लिम मानंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट डायरेक्टली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया कौ एक्ट द्वारा डायरेक्टली को सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस्ड करा जाइथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला डायरेक्टली माने कोनो डबल शासन हमरो एग्जीक्यूटिव एवं जेमिति मिनिस्टर माने ताकु आजे यहाँ को अन्य कोनो कह जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मध्ये यहाँ को कहा जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 अर्थात कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे कोटा को निया जाइथिला 1950 मसीहा रे एवं ऐड करा जाइथिला आम कॉन्स्टिट्यूशन रे इमरजेंसी प्रोविजन को यार सटीक आंसर हबो इमरजेंसी प्रोविजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन कहा को नहीं बेस अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एवं पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं बेस अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश बाय कहा द्वारा मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी रो एबोलिश होइतिला चार्टर एक्ट 1813 द्वारा चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैंडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली केबे एंड होइतिला सेम क्वेश्चन अच्छे चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर क्रिएटेड बाय इंडिया एवं पाकिस्तान को केबे तैयारी करा जाइथिला कहा द्वारा तैयारी करा जाइथिला इंडिया एवं पाकिस्तान को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द्वारा करा जाइथिला एवं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केबे पास करा जाइथिला 1947 मसीहा इंडियन इंडिपेंडेंस पास एक्ट पास करा जाइथिला को जगह रे पास करा जाइथिला लंडन रो बाय इंग्लैंड रो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करा जाइथिला 1947 मसीहा एवं इंडिया एवं पाकिस्तान दुईटी देश तैयारी करा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय कहा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथमे शासन करथिला को एक्ट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट द बेसिस ऑफ
कहा द्वारा तैयार कर केबे तैयार कर मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा दो छुईज वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रो कमर्शियल एक्टिविटी केबे एंड होइतिला चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा तेणु यार सठिक आंसर सी हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम इंडिया को कंट्रोल करने क्या दी जा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जा कौन अटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ गोटे ब्रिटिश पार्लियामेंट रो मेंबर अटे तेणु क्या द्वारा दि जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा दिया जाए द्वारा कौन कर गवर्नर जनरल पदवी को चेंज कर भाइसराय कर दिया जाइला एवं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंट्रोल करा आम देश को ब्रिटिश मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डायरेक्टिव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर क्या द्वारा डायरेक्टिव को इंट्रोड्यूस्ड कर सर्वप्रथमें मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म द्वारा इन द फेडरेशन अंडर एक्ट ऑफ 1935 रेसीडोरी पावर वेयर गिवेन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा रेसीडोरी पावर क्या दिया रेसीडोरी पावर माने कौन अटे रेसीडोरी पावर माने हूँ जोटा आम सेंट्रल लिस्ट रे न थाए स्टेट लिस्ट रे किंबा कॉन्करेंट लिस्ट रे न थाए से ही बोली पावर को कहा जाए रेसीडोरी पावर कहा जाए क्या दिया जाए पार्लियामेंट को दिया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा क्या दिया जाए गवर्नर जनरल को दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरियल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आमर लोकसभा एवं राज्यसभा होता बाय कैमरियल लेजिस्लेचर यह कहा द्वारा होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा होता लोकसभा राज्यसभा बाय कैमरियल लेजिस्लेचर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी को एक्ट को जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब करते चार्टर ऑफ स्लेवरी बोली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। फ्रेंड्स आपन जदि वीडियो को लाइक करना ताले लाइक मध्ये करंतु एवं आपन अन्य समस्त क्लास देखिना ताले आम चैनल रो समस्त क्लास को आपन देखि पारबे प्लेलिस्ट को जाई समस्त टॉपिक वाइज क्लास करा जायछि एवं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मध्ये अन्य मध्ये क्वेश्चन को डिस्कशन करायछि आपन देखिना ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट केबे अडॉप्ट करथिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केबे करथिला 26 नवंबर 1949 मसीह अडॉप्ट करथिला 26 नवंबर को आम देश में कौन पालन करा जाए कॉन्स्टिट्यूशन डे बा संविधान दिवस रूप पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन रो किए मेंबर नुहंती यहाँ मध्य केबे आसीथिला 1946 मसीह आम देश में कैबिनेट मिशन काहेकि आसीथिला आम देश में कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करबा पई आसीथिला तीन जन व्यक्ति आसते पार्थिक लॉरेंस टापर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर आसते जॉन साइमन आसी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइड इन द आमर पावर टी डिस्ट्रीब्यूट अच्छी सेन्टर किसी पावर दी आम स्टेट मान राज्य मान कि पावर दे विषय कौटे लिखाई सेवेन्थ शेड्यूल लिखा जा एवं यह कहा द्वारा करा जाइतला सर्वप्रथमे बा कहा द्वारा करा जाइछि यहा करा जाइछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा करा जाइछि हमर पावर टी डिस्ट्रीब्यूट हेबो सेंटर थारे किछे स्टेट थारे यूनियन टेरिटरी मानन कठारे ए बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन के थिले पंडित जवाहरलाल नेहरू थिले यूनियन चेयरमैन यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कहा द्वारा तैयारी करा जाइतला आम कॉन्स्टिट्यूशन को कहा द्वारा तैयारी करा जाइतला कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा तैयारी करा जाइतला 1946 मसीह तेणु यार सठिक आंसर बी हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन को आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे एडॉप्ट करा जाइतला 26 नवंबर 1949 मसेरे एडॉप्ट करा जाइतला एवं केबे लागू करा गला 26 जनवरी 1950 मसेरे लागू करा गला एवं सेति पई 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बारे बा संविधान दिवस रूपे पालन करा जाय 26 जनवरी दिन याकू कोन करा जाइतला लागू करा जाइतला सेति पई ताहा कोन पालन करा जाय रिपब्लिक डे भाव पालन करा जाय एवं काहेकी एही दिन आम देश में लागू करागला कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 मसीह एडॉप्ट करा जाइतला किंतु 26 जनवरी 1950 मसीह याकू काहेकी लागू करागला काहेकी ना 1929 मसीह जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो डिमांड करथिले एवं 26 जनवरी 1930 मसीह रबी नदी कूल 26 जनवरी 1930 मसीह रबी नदी कूल जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो डिमांड करने सहित आम देश में स्वाधीनता दिवस रो पालन करथिले सेथिपाई से दिन को लागू करा जाइछि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को पालन करा जाइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु प्रिस्क्राइब्ड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम मीटिंग किए नहीं थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सचिदानंद सिन्हा नहीं थिले यार सटीक आंसर हो सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी रो एडवाइजर के थिले बी एन राव थिले एडवाइजर एडवाइजर बी एन राव थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम केबे थारो आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार्य करबा आरंभ करितला 9 डिसेंबर 1946 रो 9 डिसेंबर 1946 रो आरंभ होइतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग हेड मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच फॉर्मेट द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 डिसेंबर 1944 किए प्रपोज करते प्रीएम्बल को किए प्रपोज करते जवाहरलाल नेहरू करते तेणु हे सटिक आंसर डी हेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो या मध्ये के मेंबर नथिले महात्मा गांधी गोटे नथिले मोहम्मद अली जिन्ना नथिले एवं अन्य किए नथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले आचार्य जे थिले जे बी कृपालिनी बा कृपालिनी थिले के एम मुंशी मध्ये थिले किंतु जयप्रकाश नारायण नथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज केम इन टू फोर्स ऑन आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे आसीथिला 26 जनवरी 1950 मसीह तेणु यार सटिक आंसर सी हेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स आपन जदि वीडियो को लाइक करना ताले लाइक मध्ये करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब मध्ये करंतु अन्य समस्त क्लास आपन देखबा पई चाहंती ताले प्लेलिस्ट को जे आपन जे कोनसी क्लास देखबा पई चाहंती ताले देखि परबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतेटी सेशन लागितला कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिबारे 11टी लागितला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय फर्स्ट चेयरमैन के थिले फर्स्ट डे रो फर्स्ट मीटिंग रो चेयरमैन के थिले सचिदानंद सिन्हा थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केते समय लागितला आम कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिबारे केते समय लागितला 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन लागितला तेणु यार सटिक आंसर कौन हे बी हेब 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए थे चेयरमैन किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन किए थे
सर्दार पटेल थे सर्दार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जन मेंबर्स थे एथेरे थे सात जन मेंबर्स थे। चेयरमैन किए थे बी आर अंबेदकर। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी रे किए प्रपोज करते प्रीएम्बल को जवाहरलाल नेहरू। यार सठिक आंसर हम ए हे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु आज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वाधीन भारत किए प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। स्वाधीन भारत राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर माने किपर से माने होइतिले इलेक्टेड होइतिले प्रोविजनल असेंबली रो से माने इलेक्टेड होइतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले बी आर अंबेडकर। तेणु यार सटिक आंसर हम बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ड्यूरींग हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलीब्रेट्स अपन द फाइनलाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केबे रु केबे पर्यंत तैयार कराइला आम कॉन्स्टिट्यूशन को डिसेंबर 1946 रु नवंबर 1949 पर्यंत। तेणु यार सटिक आंसर सी हेबो। एवं आपण क्वेश्चन अछि आपण यार आंसर आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आइडिया किए दे आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवारे किए आइडिया देते तहार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। आइडिया किए देते कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करार यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। अन्य समस्त क्लास आप देखा चाहती तेल आम चैनल प्ले लिस्ट को जे देखिपारे। तेणु थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करूँ। थैंक यू।